स्थिति को अष्टांग योग की बातें बता रहे हैं। देखो बातें बड़ी कठिन है, लेकिन जो इन बातों का अनुसरण करता है, मार्ग पर चलता है, उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। कपिल भगवान कह रहे हैं कि माँ, सबसे पहले व्यक्ति को अपना समय सुधार लेना। जिस व्यक्ति के पास बैठने के बाद में ईर्ष्या उत्पन्न हो, मन में पाप करने की प्रवृत्ति हो, तो ऐसे व्यक्तियों का संग छोड़ दे। दूसरा बता रहे हैं कि यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये आठ अष्टांग योग हैं। भक्ति मार्ग में कुछ छोड़ने की बात नहीं कहते हैं। वैष्णव कहेगा, उस वैष्णव की भगवान की भक्ति करने की पद्धति कोई अलग नहीं होती, शास्त्र के अनुरूप तो होती है। तो सबसे पहले कपिल भगवान अपनी माता देवमूर्ति को अष्टांग योग की बातें बता रहे हैं कि हाँ, पहली सीढ़ी होती है यम। अब देखो कोई बात पूछ ले कि अष्टांग योग क्या है, तो अष्टांग योग यह है कि अपन ठीक से किस प्रकार रहें, कैसे अपने जीवन की दिनचर्या को व्यतीत करें, उस बात को कहते हैं अष्टांग योग। नियम बताए कि जीवन के अंदर में तीन नियम जरूर स्वान देना है, कौन कौन से? पहला नियम जो है भोजन का, भोजन क्या कहा, क्या रोटी की भूख है तो तीन दिन खाना, ज्यादा भोजन करने वाला इस भोजन कर सकते, क्योंकि क्या जो अपने नियम से भजन संध्या वंदन करते हैं, तो पहला बताया भोजन का, दूसरा नींद का और तीसरा आराधना। रात्रि कालीन में 9-10 बजे जो व्यक्ति सो जाता तो सुबह आराम से 4-4:30-5 बजे तक उठ जाएगा। रात को 1-2 बजे व्हाट्सएप चलाता हुआ देखता रहेगा, 2-5 बजे उठेगा, उसको तो 8 बजे लगे। और सबसे पहला नियम ये कठिन है कि व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। हमारे मंदिर में एक शेठ जी आते हैं, तो कभी कभी उदास हो जाते हैं, उदास होकर के आते हैं, हम पूछ लेते हैं शेठ जी उदास क्यों हो, क्या बात है? फिर महाराज, मैं 4 बजे उठता हूँ और मेरा बेटा जो है 8 बजे उठता, मेरे को यही दुख है। तो हमने कहा कि भाई उसको कहा करो, बोले कहे क्या, उसकी माँ कहने नहीं देती। क्या कहती है, बोले आपने जीवन भर नहीं कमाया और आपके बेटे ने 2 साल में कमा करके रख दिया, तो कमाऊ खुद को कौन कहे, चाहे जब सो जाए चाहे जब उठ जाए। भाई कमाई कमाई के अंदर ऐसा थोड़ी है कि अपने जीवन को नष्ट कर दो। तो हमने कहा कि आज का व्यक्ति अपने घरवाली की बात ज्यादा मानता, उस घरवाले को कहा तो महाराज उसको तो कहे क्या, वो तो 9 बजे कहने जैसे रहेंगे। तो भाई इस सोने सोने में अपना जीवन यूं चला जाएगा। जो भगवान की भक्ति मार्ग का अपने जीवन का सच्चा आनंद लेना चाहता है तो प्रातःकाल जल्दी उठने की कोशिश करे। ये नियम बता रहे हैं, एकदम चक्कर में भोजन नहीं करना, और नींद का नियम बताया कि रात्रि में जो जल्दी सोएगा तो प्रातःकाल जल्दी उठेगा।
कभी हम पूछ लेते हैं, बच्चे लोग आते हैं छोटे छोटे, अरे वो बड़े होते हैं आजकल मंदिर नहीं आते, बोले मंदिर क्या है आप, हमारी शादी हुई। तो महाराज लेट उठते हैं 10-11 बजे, उठते से फिर ऑफिस चले जाते हैं, तो आपका विवाह हो गया तो ये मतलब थोड़ी है उनको लाइसेंस मिल गया नौकरी हो गया, नहीं ना। जल्दी उठ जाते थे छोटे थे तब, अब बड़े हो गए अब उठ नहीं पाते। तो भाई कैसे तुम्हारा नींदी नींदी में पूरा जमाना चला जाएगा, पूरा जीवन चला जाएगा, जीवन का आनंद तो इसी में चला जाएगा। प्रातः काल जो जल्दी उठ करके भगवान की आराधना पूजन ध्यान करता है उसको जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त होता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब ऋण का जो सोबत है, जो सोबत है वो कोवत है, जो जागत है वो पावत है। इसलिए जीवन का सच्चा आनंद पाना है तो प्रातः काल जल्दी उठने की कोशिश करना। प्रेम से कहिए श्री राधे, थोड़ी बहुत नींद होती है नहीं। श्री हरि भगवान की जय। गोस्वामी जी ने कहा है ना, जानिए तब ये जीव जब जागा, जब सब विषय विलास दिया। जब सभी जीव विलास के प्रति अपने लेरा की जागृति हो जाती है, वही जीव सच्चे रूप में जागृत हो जाता है। कपिल भगवान अपनी माँ को कहते हैं कि माँ त्रिवेण भक्ति योगे यजेत पुरुषम परम। त्रिवेण भक्ति योगे ने यजेत पुरुषम परम, जिसको ये इच्छा हो जाए कि मेरे को जैसा परिवार मिला समाज मिला इनमें सब में मैं प्रसन्न हूं, अब तो मेरे को केवल नारायण का ही प्राप्ति करना है, भगवान की प्राप्ति करना है, तो उसको कहते हैं त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। माँ उसको भगवान की भक्ति में लग जाए तो उसको भगवान नारायण की प्राप्ति होती है। आरंभ में कपिल भगवान कह रहे हैं कि यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान, अंतिम स्टेज बताई है समाधि। जब व्यक्ति समाधि में तल्लीन हो जाता है तो वह भगवत प्राप्ति कर लेता है। भोजन के विषय में बताया, नींद के विषय में बताया, फिर बताते हैं प्राणायाम, बैठ करके आसन पर के प्राणायाम करना, प्रत्याहार करना, धारणा करना, फिर धीरे धीरे ध्यान लगाना। ध्यान की विधि बताई है, कोई कहते हैं कि हम आसन पर बैठ जाते हैं और जब भगवान का ध्यान करने लगते हैं तो संसार का ध्यान ज्यादा। होता है सब भी होता है, जब कहने भगवान का ध्यान करो तो संसार का ध्यान अपने आप हो जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उस समय भगवान के आप ऐसे ऐसे स्तुतियों का गान करो कि आपका ध्यान भगवान में लग जाएगा। दो चार पंक्ति आपको बता देता हूं। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण आजान भुज सर चाप धर संग्राम शोभा कैसी है, कैसे भगवान का मनोहर छवि है,
भगवान का सुंदर मुकुट है, कान में कुंडल है, बेजन की माला पहनी है, मधुर मधुर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा धीरे धीरे स्तुति का गान करोगे और स्तुति के अर्थ को समझोगे तो संसार का ध्यान अपने आप ही हट जाएगा। प्राणायाम प्रत्याहार थोड़ा थोड़ा संसार के चीजों का संग्रह जरूर करना, क्योंकि अपने गृहस्थ लोग हैं, व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन इतना नहीं छोड़ना कि सात पीढ़ी की चिंता करने लगे। जिस व्यक्ति के पास ज्यादा धन होता है उसको ज्यादा टेंशन होता है। हमारे गुरु महाराज क्या करते थे, आनंद मंगल परम सुखी और ज्यादा परिग्रह महादुखी। इसके ज्यादा परिग्रह नहीं जोड़ना, छोटा सा घर है तो तुरंत झाड़ू पोछा करके ध्यान करने में बैठ जाओ, और बहुत बड़ा बंगला ले लो तो एक दो घंटा तो समय नहीं चला जाए। इसलिए ज्यादा परिग्रह नहीं करना। जो ज्यादा व्यापार बढ़ाता है, ज्यादा परिग्रह करता है, तो उसका पूरा ध्यान उसी में लगा रहता है। कोई बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का मालिक हो और उसकी गाड़ियां अगर उसके घर के सामने लाइन से खड़ी हो जाए तो उसको टेंशन हो जाता है कि ये खड़ी क्यों है, कमाने के लिए क्यों नहीं जाती, और सब गाड़ियां चली जाती हैं तो ये चिंता करता है कि अभी तक आई क्यों नहीं, कोई एक्सीडेंट तो नहीं होता है। इसलिए ज्यादा व्यापार लंबा करोगे तो टेंशन भी ज्यादा होगा। इसलिए गुरु महाराज से ही कहा करते थे कि आनंद मंगल परम सुखी, ज्यादा परिग्रह महादुखी। थोड़ा व्यापार चलता रहे, अपना गुजर बसर होता रहे, इतनी चिंता करना। श्री हरि भगवान की। अष्टांग योग बताए हैं, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान, और अंतिम स्टेज बताते हैं समाधि। मां इनको धीरे धीरे पार करके व्यक्ति समाधिस्थ हो जाए और भगवान का ध्यान करते करते ऐसी समाधि लगाए कि घर में परिवार में कुछ भी हो, अपन को तो भगवान में श्री रूप में हूँ, श्री भगवान का मेरे श्री भगवान अनुभव यू करते रहो, तज माया अभिमान। प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे। ऐसे कपिल भगवान ने अपनी माता देवभूति को सुंदर अष्टांग योग की बातें बताई। अंत में कहा कि माँ आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, नौ कन्याओं को जन्म दिया और मुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया जो आपको मैं ज्ञान दे रहा हूँ, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं माँ। कपिल भगवान अपनी माँ को प्रणाम करके चले जाते हैं। माता को एक बार तो थोड़ा दुख होता है और माँ के आंखों से अश्रु बिंदु टपकते हैं। अश्रु बिंदु टपकने के कारण वहां पर एक माता का तालाब बन जाता है अश्रु बिंदु से, वो मात्र बिंदु गया के साथ से जाना जाता है। कपिल भगवान चले जाते हैं। ऐसे माँ देवभूति भगवान का ध्यान करते करते भगवान के स्वधाम चले जाते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। आगे सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित, इन्हीं के वंश में स्वायंभुवनों की कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ। भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनलोक लेने होता है। आकुति देवभूति और प्रसूति जो छोटी छोटी कन्या थी उसका विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। दक्ष के 13 कन्याएं थी, उस छोटी छोटी कन्या का विवाह है भगवान शिव के साथ करते हैं। और भगवती सती जी का नाम है। एक बार देवताओं की बहुत बड़ी सभा थी, उस सभा के अंदर में समस्त देवता लोग आए और भगवान शिव उस सभा में बैठे थे और प्रजापति दक्ष जो थे उस सभा के अध्यक्ष थे। जब प्रजापति दक्ष थोड़ी देर में आए, सब लोग उठ करके स्वागत करते हैं, भगवान शंकर उठ करके स्वागत नहीं किया तो प्रजापति दक्ष को लगा कि मेरा अपमान कर दिया, एक तो ये मेरे जामाता हैं,
मैं इनका पिता तुल्य हूं। शंकर आकर के मुझे प्रणाम करना चाहिए था, लेकिन मेरा अपमान किया है। तो उस भरी सभा में प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर को अपमानित करने लगा। भगवान सदाशिव जो है उस सभा से उठ करके चलते, मैंने बोले ज्यादा देर बैठूंगा तो और ज्यादा बड़बड़ाएगा। तो भगवान शंकर सभा से उठ करके चले गए। कई दिन व्यतीत हो गए। भगवान शंकर ने अपनी सती को भी ये बात नहीं बताई कि आज प्रजापति दक्ष मेरे जो ससुर हैं उन्होंने मेरा अपमान किया है, कुछ बात नहीं बताई। लेकिन प्रजापति दक्ष को तो अपने जामाता का अपमान करना था, इसने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में सब अपने बेटियों को बुलाया, गांव की बेटियों को बुलाया, लेकिन अपने छोटी छोटी कन्या जो सती है उसको निमंत्रण पत्रिका भी नहीं दी। देखो अपने घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य हो ना, विवाह का, भागवत का, रामकथा का, गृह प्रवेश का, तो उस समय सबसे पहले सूचना अपनी बेटी को देना चाहिए। जब बेटी को सूचना जाती है कि आप इस घर के आंगन में खेल करके आई हो, उस आंगन में आज गृह प्रवेश हो रहा है, विवाह हो रहा है, कोई भगवान की घटा वार्ता हो रही है, तो उसको बहुत प्रसन्नता होती है। तो आज भगवती सती को कोई सूचना नहीं, सब गांव की कन्याएं प्रजापति दक्ष के यज्ञ में आ रही हैं। एक विमान भगवान शंकर के हिमालय के ऊपर में उतरा है और एक कन्या दौड़ करके कहने लगी, अरे सती तो यहाँ क्या कर रही है? बोले मैं अपने पति के घर रहूंगी और कहाँ रहूंगी। बोले वो तो ठीक है, लेकिन प्रजापति दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें पत्रिका नहीं आई? अब देखो कन्याओं की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि कभी भी अपने पिता को नीचे देखने वाली बात सहन नहीं करते। तो वो क्या कहती है, पत्रिका तो आई होगी, यहाँ भूत पिशाच बहुत घूमते रहते हैं, कोई लेकर के आया होगा, चला गया होगा डर के मारे। बोले देख मेरे पास तो पत्रिका, बोले ये पत्रिका तो मेरे को दे, तो चल मैं अभी आ रही हूँ। शंकर जी समाधि में तल्लीन थे, थोड़ी देर में समाधि से उठे। जैसे शंकर जी आए तो भगवती सती कहती है कि देखो प्रभु, ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, कि तुम्हारे ससुर जी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगे कि तुम्हारे ससुर हैं। शंकर जी ने आज तक वो बात नहीं बताई, लेकिन आज कहते कि देखो सती, ये पत्रिका कहां से लाई हुई, इस पत्रिका का ऊपर का कवर कहाँ है, लिफाफा कहाँ है, किसके नाम से आई है? सती ने क्या कि ऊपर का लिफाफा निकाल लिया था और पत्रिका दिखा दी। बोले किसके नाम से आई? तो भगवती सती कहने लगी, तुमको लोग झूठे भोलेनाथ कहते हैं, तुम तो बड़े समझदार हो गुरु, तुम्हें बता दो सही। बोले देखो सती, बात ऐसी है कि तुम्हारे पिता के और मेरे पर थोड़ा झगड़ा हो गया। बोले कहीं का झगड़ा हो? तो शंकर जी ने पूरी बात बता दी। बोले एक बार बहुत बड़ी सभा थी, ऐसे ऐसे बात हुई, तो उस समय भगवती सती कहती, ये गलती तो आपने की है, आपको खड़े होकर के मेरे पिताजी का स्वागत करना चाहिए था ना। तो शंकर जी कहते हैं कि मैं तो सबका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ, सबको प्रणाम करके ही बैठता हूँ। देखो शंकर जी को इतने भगवान के नाम में तल्लीन रहते हैं, उनको कहाँ जटा सुलझाने का समय। कोई अतर लगावे, कोई तेल लगावे, अरे सारो जन्म कमाई दियो नखरा में, हारो हीरो कमाई दियो कचरा में। कई माताएं को सजने समझने में दो घंटा लग जाता है, बाजार जा रहे हैं, मायके में जा रहे हैं, तो एक आधा घंटा तो सजने में लग जाता है, मैचिंग मिलाने में, ये पहनो ये पहनो, ये नहीं पहनो, ये ठीक है वो ठीक है। शंकर जी कहते हैं मेरे को कहाँ इतनी फुर्सत है,
कहां जटा सुन जाऊं, कहां तेल लगाऊं, बस उठे राम 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 कहने में तल्लीन हो जाते हैं। तो ऐसे शंकर जी कहने लगे कि सती ये पत्रिका किसके नाम से आई। तो भगवती सती कह रही है कि देखो शंकर जी, मैं भी कम पढ़ी लिखी नहीं, नारद जी के विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई की है और तीन जगह बिना बुलाए जा सकता है, कोई भी व्यक्ति तीन जगह बिना बुलाए जा सकता है। अब कौन कौन सी जगह बताऊं, आगे चलो बता दो, तीन जगह कौन कौन सी है। एक तो बेटी अपने बाप के घर में कभी भी जा सकती, जब उसकी इच्छा हो जाए कि आज मैं अपने मायके में जाके आऊं तो जा सकती। दूसरी जगह है गुरुजी कोई काम करते हो, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, कभी कभी अपन को सूचना नहीं मिलती, गुरुजी के शिष्य बहुत होते हैं, कभी सूचना देने में भूल हो जाती है और अपन को पता लग जाए कि गुरुजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो ये नहीं सोचना गुरुजी ने बुलाया नहीं जाऊं, चले जाना चाहिए, पता लग गया तो चले जाना चाहिए। और तीसरी ऐसी जगह है कि कभी कभी पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, होता है कोई जाता है कभी कभी, और पत्नी क्या करती है, गुस्से गुस्से में अपने देर जमाती है और अपने मायके में आ जाता है। अब गुस्सा 108 डिग्री से धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाए तो बेग उठा करके वापस आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक महीना निकल गया, 12 महीने निकल गए, कोई लेने आए या ना आए। जैसे एक दो दिन में गुस्सा शांत हो जाए तो बेग उठा करके चले जाना चाहिए। घर वाला कहे कि अब क्यों आई है, तो कह देना विवाह क्यों किया था, मैं तो 10 बार जाऊंगी 20 बार आऊंगी। तो ऐसे कोई लेने आए ऐसे प्रतीक्षा नहीं करना, तो इन तीन जगहों पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। कौन कौन सी, गुरु जी के यहाँ पर, पिताजी के यहाँ पर और अपने ससुराल में। श्री हरि भगवान की जय। तो शंकर जी को कह रहे हैं कि देखो भोलेनाथ, मैं अपने पिताजी के यहाँ पर जाऊंगी, आपको नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मेरे को तो भेज दो, मैं तो अपने पिताजी के जाऊंगी। तो शंकर जी ने कहा, शंकर जी कहने लगे कि देखो सती, जहाँ प्रेम हो वहां जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पिता तुम्हारे प्रति कोई प्रेम नहीं है, इसलिए वहां पर तू जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। सती तुलसी तहां जाइए, चाहे कंचन बरे से मेरन, आवत ही हर से नहीं और नैन नहीं सने, अरे तुलसी तहां जाइए, चाहे कंचन बर से मेरन। सती वहां नहीं जाना चाहिए जो देखने पर आंख से प्रसन्न नहीं होता हो, देख करके दृष्टि घुमा लेता हो, चाहे वहां पर सोने की मोहरे की बारिश क्यों ना हो, उस जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां पर नैनों में स्नेह नहीं। लेकिन भगवती सती कहती है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊं। शंकर जी ने देखा कि सती मानने वाले नहीं है, ये तीन भाई चित्त होते हैं, एक बाल भट्ट, एक जोग भट्ट और एक मालूम, तो ये तीन हट कर लेते हैं तो अपना पूरा हट जित पूरा करके ही छोड़ते हैं। तो शंकर जी समझ गए कि अब सती मानने वाले नहीं है, कहा कि सती तुम जाओ। भगवती सती शंकर जी की आज्ञा लेकर के जा रही है जिद करके। जैसे ही अपने मायके में पहुंची, दूर से यज्ञ मंडप को देखा कि बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, सबसे पहले अपनी माँ को प्रणाम किया है, माँ से पूछा पिताजी कहाँ हैं, बोले पिताजी यज्ञ मंडप में हैं, पिता की ओर गई है। पिता ने जैसे ही अपनी कन्या को देखा तो उनको घुमा लिया,
भगवती सती बहुत प्रसन्न होकर के गई थी, लेकिन पिताजी के पास जैसे पहुंची तो दक्ष प्रजापति अपनी कन्या को देख करके मुंह घुमा लिया। कन्या को तो भी उदासी होगी, पिताजी मेरे से नाराज हैं। दौड़ करके पिता के चरणों में वंदन किया है और दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या को डांटने लगे, क्या शंकर के पास में कुछ पहनने को कपड़े नहीं है, गहने नहीं है, तू इस यज्ञ मंडल में कुछ लेने के लिए आई है? ऐसे थोड़ा डांटा तो भगवती सती उदास हो गई। भोलेनाथ ने पहले कहा था कि तुम्हारा पिता अहंकारी है, फिर भी भगवती सती ने दुस्साहस करके कहने लगे, पिताजी कभी अंगुलियों से नाखून अलग नहीं होते, कभी बाप बेटी से अलग नहीं होता, आप एक बार मेरे मस्तक पर हाथ रख दो, यहाँ खुशियां खुशियां अच्छा जाएगी। लेकिन अहंकारी दक्ष ने अपनी कन्या की ओर देखा तक नहीं, कन्या उदास हो गई, विचार करने लगी, मेरे भोलेनाथ के पास में जिद करके यहाँ पर आई हूँ, मैं तो ये सोच रही थी कि आने जाने से कोई बात मनमुटाव होता है वो मिट जाता है, लेकिन मेरा पिता तो बड़ा अहंकारी है। आज भगवती सती को अपने भगवान शिव का अपमान सहन नहीं हुआ और जो यज्ञ हो रहा था उस यज्ञ कुंड के पास भगवती सती आकर खड़ी हुई है। यज्ञ कुंड में कूदी नहीं, उससे पहले ही भगवती सती के शरीर से ऐसी आग की वृष्टि उत्पन्न हुई और भगवती सती उसी आग में जलकर के भस्म हो जाती है। चारों तरफ हाहाकार होने लगा। देव ऋषि नारद जी जाकर के भगवान शंकर को सूचना देते हैं कि आपकी भगवती सती प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जलकर के भस्म हो गई है। भगवान शिव को क्रोध आया, अरे प्रजापति दक्ष ने अपने कन्या को भी कुछ सम्मान नहीं दिया और भगवान शंकर ने अपने मस्तक से एक केस उखाड़ा और वीरभद्र नाम का दैत्य को प्रकट किया। वीरभद्र कहने का क्या आदेश है? वीरभद्र को भगवान शंकर ने आज्ञा दी है, जाओ प्रजापति को यज्ञ कर रहे हैं दक्ष प्रजापति, उस यज्ञ को तुम विध्वंस कर दो। वीरभद्र अपनी सेना लेकर के दौड़ करके आते हैं और प्रजापति दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। देवता लोग बैठे हैं, सबको मार मार करके भगा देते हैं। प्रजापति दक्ष के मुंडन को उखाड़ करके जो यज्ञ चल रहा था उस यज्ञ कुंड में डाल देते हैं। स्वाहा, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। समस्त देवता लोग भगवान शंकर की आराधना करके भगवान शिव जी को मना करके यहाँ पर लाते हैं और भगवान शंकर आने के बाद में समस्त देवता भगवान शिव की स्तुति करते हैं, यज्ञ मंडप को ठीक करते हैं, प्रजापति दक्ष को बकरे की मुंडी लगा करके जीवित कर देते हैं और भगवान शिव प्रसन्न होकर के प्रजापति दक्ष के यज्ञ को शिव से परिपूर्ण कराते हैं। बोले शंकर भगवान की, ऐसे भगवान शंकर ने कृपा की है। अब आगे दक्ष प्रजापति यज्ञ की पूर्ति भगवान शंकर ने की है। अब तीन कन्याओं का तो आपने विस्तार से उनका दिनचर्या के बारे में श्रवण किया है। परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरुदेव इनके पुत्रों का जीवन कैसा चला, किस प्रकार से उनकी दिनचर्या चली, वो भी तो बताओ। तो कहते हैं कि देखो परीक्षित, प्रियव्रत और उत्तानपाद मनु महाराज के दो बेटे हैं, तो छोटे बेटे का परिचय पहले कहूंगा, बड़े बेटे का बाद में कहूंगा। हिसाब से तो बड़े बेटे का कहना चाहिए, लेकिन जिस कुल के अंदर में भगवान का भक्त उत्पन्न होता है उसका दिनचर्या पहले कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि देखो परीक्षित, उत्तानपाद की दो रानियां हैं,
सुरुजी और सुनीति, बड़ी रानी है सुनीति और छोटी रानी है सुरुजी। राजा उत्तानपाल के दो रानियां हैं, बड़ी रानी है सुनीति, जैसा उसका नाम है सुनीति, सही नीति पर चलने वाली उसको कहते हैं सुनीति। और सुरुजी को क्या हो, जो अपनी रुचि के अनुसार चले उसको कहते हैं सुरुचि। अब कोई सुरुचि हो यहाँ पर तो भाई चिड़िया मेरा नाम ले रहे। यहाँ पर सुरुचि के बारे में इतना ही कहा है कि जो अपनी रुचि से चले उसे सुरुचि कहते हैं। सुनीति जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार नीति का उपयोग कर चलने वाली सुनीति है। महाराज सुनीति का विवाह हुआ, एक वर्ष बाद में एक पुत्र की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है ध्रुव। छोटी रानी है सुरुचि, उसको भी एक वर्ष बाद व्यतीत होने के बाद में एक बेटे को जन्म देती है, उसका नाम है उत्तम। अब सुरुचि दिखने में थोड़ी सुंदर थी तो राजा थोड़ा प्रेम अपने सुरुचि रानी से ज्यादा कर लेते हैं। एक दिन सुरुचि के मन में ऐसा भाव जगा कि राजा मेरे को ज्यादा चाहते हैं, मेरे से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए मैं अपनी मनमानी करूं, मैं कहूं वैसा काम होना चाहिए। एक दिन रात्रि कालीन में महाराज उत्तानपाल अर्ध रात्रि सुनीति के कक्ष में रहते थे और आधी रात को सुरुचि के कक्ष में रहा करते थे। सुनीति के पास से राजा अर्ध रात्रि में अपनी छोटी रानी सुरुचि के पास आ रहे थे तो सुरुचि के मन में भाव लगा कि मैं राजा को अपने प्रेम पास में कैसे बांधूं। जैसे राजा अर्ध रात्रि में आए तो सुरुचि ने अपने कमरे का दरवाजा खोला देखा। आज इतना बड़ा उत्तानपाल राजा, बड़ी बड़ी सेनाओं का संचालन करने वाला, सुरुचि दरवाजा नहीं खोल रही थी। राजा कई बार दरवाजे को खटखटाया, दरवाजा तो नहीं खुला। अंत में एक छोटी सी खिड़की खुली और सुरुचि कहने लगे, महाराज आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो इसी समय अपनी बड़ी रानी सुनीति को राजमहल से बाहर निकाल दो। अब राजा कुछ बोल नहीं पाया, ये बात सुनीति ने सुन ली और सुनीति दौड़ी दौड़ी राजा के पास आई और कहने लगी, महाराज आप कहो तो मैं इसी समय आपके राजमहल से बाहर निकल जाऊं। राजा कुछ बोले नहीं तो सुनीति समझ गई कि राजा मुझे निकालना चाहते हैं। उसी समय सुनीति अपने छोटे बेटे ध्रुव को लेकर के, जैसे बड़े बंगले बनते हैं सामने छोटे छोटे नौकर जाकर रहते हैं, छोटे छोटे कोठड़ियां बनती है, कमरे बनते हैं, वहां जाकर के सुनीति रहने लगी। और जैसे सुनीति बाहर गई उसी समय सुरुचि ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और राजा की आरती उतारने लगी। आज समझ में आया कि राजा मेरे से इतना प्रेम करते हैं। राजा प्रेम पास में बदले कुछ बोल नहीं पाए। दूसरे दिन प्रातः काल हुआ तो जो ध्रुव था, तो ध्रुव अपने छोटे भाई उत्तम के साथ राजभवन में खेलने के लिए आ जाता। दोपहर के समय में 12-1 बज रहे थे, अपने छोटे भाई उत्तम के साथ ध्रुव खेल रहा था। उस समय राजा भोजन के लिए आए थे, भोजन करने बैठे ही थे, इतने में तोड़ करके उत्तम जो है राजा की गोद में जाकर बैठ गए। अब ध्रुव भी बड़ा नटखट था, वो इतना तेजी से दौड़ा और 5 फीट की छलांग लगा करके राजा की गोद में बैठने वाला था। राजा ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और अपने बेटे ध्रुव को यूं उठा लिया,
मेरा राजा बेटा। इतनी बात कही तो सुरुचि दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, हे महाराज, आप सुरुचि रानी के साथ रहना चाहते हैं तो इस बालक को यहीं पर छोड़ दो। अब राजा अपने दोनों हाथ ऊंचे उठा करके ध्रुव को प्यार कर रहा था, दुलार कर रहा था, और सुरुचि रानी ने यही बात कही, उसी समय छोटे से 5 वर्ष के बालक को आराम से छोड़ दिया। इतने में दौड़ करके सुरुचि आकर के ध्रुव का अपमान करने लगी, बेटा ध्रुव, तुम इस राजा के गोद में बैठना चाहते हो तो मुझ जैसे सुरुचि रानी के पेट से जन्म लो, सुरुचि रानी के गर्भ से जन्म लोगे तो ही तुम इस राजा की गोद में बैठ पाओगे। तुम्हारी सुनीति माता का तो इस राजभवन में एक दासी का जितना सम्मान नहीं होता उतना नहीं होता। सुनीति माँ का अपमान होने लगा तो ध्रुव रोने लगा, कहने लगा तो एक दासी का लड़का है, सुनीति का यहाँ पर कोई मान सम्मान नहीं होता। ध्रुव रुदन करने लगा लेकिन उद्दान बाद अपने हृदय से उस बालक को नहीं लगा पाया। ध्रुव उसी क्षण खड़ा हुआ और उस दरवाजे से दौड़ता हुआ अपने माँ के कक्ष में आया। बार बार आवाज लगाने लगा, माँ माँ तुम कहाँ पर हो? माँ घर के कार्य में लगी थी। जैसे ही माँ को आवाज लगाई सुनीति दौड़ती हुई आई, मेरा राजा बेटा। ध्रुव जी के आंखों में अश्रु बिंदु टपक रहे हैं। अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, आज मेरे को सब कुछ बात का पता चल गया है। तुम्हारा इस राजभवन में बिल्कुल सम्मान नहीं होता, राजा तुम्हें कोई सम्मान नहीं करते। माँ, इस दुख के समय में क्या करना चाहिए तुम बताओ, मैं जो करूंगा। आज माता सुनीति विचार करने लगी, हमारे दुख के समय में आज सुरुचि ने क्या कह दिया मेरे बेटे को। एक दासी आकर के ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पाए और दासी ने आकर के कह दिया कि सुरुचि रानी ने इसको बहुत डांटा है और इतना तक कह दिया कि तुम्हारी सुनीति माता का तो इस राजभवन में कोई सम्मान नहीं है। इतनी बात कही, इधर तो ध्रुव जी रो रहे हैं और इधर माँ सुनीति भी रुदन करने लगी। ध्रुव जी को थोड़ी देर में अपनी माँ से कहने लगे कि माँ, रोना कोई बात का समाधान होता है, तुम बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए। सुनीति माँ रोते रोते कहने लगी, बेटा जब तेरा पिता तेरा सहायता नहीं कर रहा तो जगत पिता के सिवाय दुनिया में कोई सहायता करने वाला नहीं है। बेटा, दुनिया की सहायता नहीं मांगना, तेरे को सहायता लेना है तो जगत पिता की शरण में चला जाएगा। माँ को कहाँ मिलेंगे? बेटा वो जंगल में रहते हैं, वहां तुम भजन करना, तेरे को अवश्य भगवान का दर्शन हो जाएगा और जो कुछ मांगना तो जगत पिता से मांगना, तेरे को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सुनीति रानी कभी भी ईर्ष्या की भावना नहीं सिखाती, बेटा अपनी विमाता को भी तुम प्रणाम कर गया हो, क्योंकि आज सुनीति कह रही कि मैं जंगल में इसको भेज रही हूँ और कभी जंगल में चला जाएगा, इसके मन में अपने विमाता के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न ना हो।
इसके कहते हैं कि तुम अपनी विमाता को प्रणाम करके आओ बेटा। अपनी विमाता को प्रणाम करने के लिए गुरुजी जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, अपने पिता को प्रणाम करते हैं और अपनी माता सुरुजी से कहते हैं कि मैं जंगल में जा रहा हूँ भगवत प्राप्ति के लिए। तो विमाता बड़ी प्रसन्न होती है, जंगल में जाएगा, छोटा बालक है, हिंसक पशु खा जाएंगे और पूरा राज्य मेरा बेटा उत्तम को मिल जाएगा। दौड़ता हुआ अपनी जन्मदात्री माँ सुनीति के पास पहुंचे हैं। सुनीति ने अपने बेटे को तिलक लगाया है, मांगलिक वस्तु खिलाई है। बेटा जब विदा होने लगा तो सुरुचि के नेत्रों में जल भर आया, लेकिन जानती थी कि अगर कोई व्यक्ति यात्रा में जा रहा है उसके सामने रोना ठीक नहीं होता है, अपशगुन माना जाता है, अपने हृदय को कठोर कर लेती है, अपने बेटे को विदा करती है। ध्रुव जी अपनी माँ को दंडवत प्रणाम करके जंगल की ओर दौड़ पड़ते हैं। इतने तेजी से दौड़े, इतने तेजी से दौड़े कि ध्रुव जी की पैरों की आवाज भगवान वैकुंठ नाथ को सुनाई देने लगी। भगवान वैकुंठ में अपने शैया पर सो रहे हैं, भगवती लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं और भगवान अचानक बैठे हो गए। लक्ष्मी जी पूछने लगी, क्या हुआ प्रभु? पर बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ऋषि लोग मेरा अनुसरण करते हैं, लेकिन आज छोटा सा 5 वर्ष का बालक मुझे प्राप्त करने के लिए अपना घर बार छोड़ करके जंगल में आ रहा है। देखो लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी को दिव्य दृष्टि भगवान ने दी है, जैसे लक्ष्मी जी ध्रुव जी को दौड़ते दौड़ते दिख रही है, लक्ष्मी को दया आई है, प्रभु इस बालक को आप अपनी गोद में बिठा लो। भगवान कहते हैं कि मैं जिस भक्त को मिलता हूँ उससे मिलने से पहले मैं संत को भेज देता हूँ। समझ लो जिस व्यक्ति के जीवन में संत मिल जाए तो समझना कि थोड़े ही दिनों के अंदर में भगवत प्राप्ति होने वाली है। लंका में विभीषण जी को जब राम जी हनुमान जी के दर्शन हुए तो विभीषण जी कहते हैं कि मुझे अब भरोसा हो गया है कि राघवेंद्र मुझे भी जल्दी मिलने वाले हैं। अब मोही भाव भरोसे हनुमंता, अब मोही भाव बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोही भाव अपने घर जाओ। नहीं नहीं
मेरी माँ ने कहा है कि तुम्हें जगत पिता का दर्शन होगा, जगत पिता तुम्हें गोद में बिठाएंगे। महाराज देव ऋषि नारद जी एक बार परीक्षा लेते हैं कि ध्रुव अपनी परीक्षा पे ठीक सही उतरेगा कि नहीं। बोले बेटा तुम्हें तेरा पिता अपमानित किया है, मैं समझा दूंगा उत्तान पाद को तुम्हें गोद में बिठा लेगा। गुरु जी कहने लगे हमने तो ऐसा सुना है संत लोग भगवान की ओर सब ग्रस्त व्यक्तियों को जोड़ देते हैं, आप तो हमसे भगवान से दूर कर रहे हो। नारद जी ने देखा कि ध्रुव अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर अटल है तो कहा कि बेटा तुम्हारी माँ ने कहा है भगवत प्राप्ति होगी, जगत पिता की गोद में बैठना है। बेटा भगवान को प्राप्त करने के लिए पहले भगवान को कुछ देना पड़ता है, भगवान के लिए जो एक देता है तो भगवान उसे चौगुना करके लौटा देते हैं। बेटा ध्रुव जी कहने लगे उस जंगल में मैं कहां से क्या दूंगा भगवान को। महाराज जी पूजा करने की पद्धति बता दें कि देखो बेटा तुम रात्रि भर चलोगे, सुबह के समय में मधुवन आएगा जिसे आज हम कहते हैं वृंदावन, वहां पर यमुना बह रही होगी, उस यमुना के कुलीन के तट पर बैठ जाना, सुंदर कदली के फल तोड़ लेना, बेर के फल तोड़ लेना, प्रातः काल भगवान का ध्यान करना, पूजन करना, मानसिक पूजा कर लेना। अगरबत्ती सूर्य दिखाने का अवसर आए तो कह देना कि सूर्य साक्षात प्रभु आपके लिए दीपक है। फिर भगवान को भोग लगाना, मुझे वहां से कहां से भोग लगाऊंगा, बोले वहां बेर लगे हैं, बेर तोड़ लेना, बेर के फल का भोग लगा देना। फिर बेटा भोग लगाने के बाद में भगवान का ध्यान करके मैं तेरे को एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र का तुम जप करना। गुरु जी ने मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा इस मंत्र का जप करना, कितना करूं गुरु जी, बोले जितना तेरे से हो सके उतना जप करना। गुरु जी ने मंत्र दिया, ध्रुव जी अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके दौड़ते हैं, रात्रि भर दौड़ते दौड़ते प्रातः काल हुआ, मधुवन आया, यमुना में स्नान किया है, भगवान का मानसिक पूजा की है, भगवान के लिए फल तोड़ने के लिए आज ध्रुव जी बेर के वृक्ष के ऊपर चढ़ करके बेर के फूल तोड़े हैं। बेर के फल का पदार्पण करते यमुना के अंदर में हे प्रभु छप्पन भोग लगाने वाले परिवार में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन आज मेरे परिस्थिति नहीं है कि आपको छप्पन भोग लगाऊं, कभी समय अनुकूल आएगा तो आपको अवश्य मैं छप्पन भोग लगाऊंगा, आज तो अपने बेर का प्रसाद ग्रहण करो। भोग लगाया है, फिर वृक्ष के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। पहले महीने के अंदर ध्रुव जी पांच पांच दिन से उठते हैं, स्नान करते हैं, दूसरे महीने में 10 दिन से, तीसरे महीने में 15 दिन से, चौथे महीने में 20 दिन से, और पांचवा महीना लगा तो ध्रुव जी को एक पैर को एक घुटने से लगा लिया, एक ही पैर पे खड़े हो गए और इतनी तल्लीनता से गुरु जी ने जो मंत्र दिया था उस मंत्र का जप करने लगे। क्या मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त देवता लोग घबराने लगे, क्या इस समय प्रलय होने वाला है। समस्त देवता दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर के क्षीर सागर के तट पर भगवान नारायण की आराधना की है, प्रभु मृत्यु लोक में क्या प्रलय करने वाले हो। भगवान ने कहा प्रलय नहीं होगा,
बोल रहा हूँ, मृत्यु लोग में हवा भी नहीं चल रही है। भगवान ने कहा कि देखो देवताओं, उत्तानपाद का बेटा ध्रुव है, मेरा ध्यान कर रहा है, इसका ध्यान इतना तेज है कि वायु का चलना भी बंद हो गया। तो प्रभु आप उसको दर्शन दो जल्दी। भगवान कहते हैं तुम अपने अपने स्थान पर चलो, अभी मैं ध्रुव को दर्शन देने के लिए जा रहा हूँ। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के ध्रुव जी के सामने खड़े हैं, ध्रुव जी के नेत्र बंद हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप कर रहे हैं ध्रुव जी। भगवान ने ध्रुव जी की ओर देखा, छोटा सा 5 वर्ष का बालक इतना तल्लीनता से जप कर रहा है, मेरा ध्यान कर रहा है। भगवान ने देखा कि ध्रुव मेरी तरफ नहीं देखेगा, मैं तो सामने खड़ा हूँ, लेकिन ध्रुव तो अपने हृदय में भगवान को प्रकट कर दिया। भगवान ने ध्रुव जी के हृदय में जो मूर्ति थी उसको बाहर निकाला, और जैसे ही ध्रुव जी अपने हृदय में भगवान की जो मूर्ति थी वो दिख नहीं रही है, आंखें खोल करके देखा तो जो अंदर में हृदय में जो भगवान की छवि थी वैसी की वैसी छवि बाहर थी। भगवान को बाहर के देखा तो ध्रुव जी हंसने लगे, और भगवान ध्रुव जी को देख करके हंस रहे, भक्त और भगवान दोनों आपस में मुस्कुरा रहे। आप भाई क्यों खुलाए बैठो, थोड़ा मुस्कुरा लो ना। श्री हरि भगवान की जय। इधर परीक्षित और सुखदेव जी मुस्कुरा रहे हैं, इधर भक्त भगवान ध्रुव जी और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पा रहे, भगवान को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, और जैसे भगवान ने अपना संग ध्रुव जी के कपोल को स्पर्श किया तो ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान भक्त को देख करके आज ध्रुव जी भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे हैं। भगवान की दिव्य स्तुति ध्रुव जी के वाणी के अंदर में प्रकट हो जाती है। आप भी इस छवि का दर्शन करें। ध्रुव जी प्रार्थना कर रहे हैं, बांके भिखारी रे दूर करो दुख मेरा, गिर पर धारी रे दूर करो दुख मेरा। Thank you.
भगवान की दिव्य स्तुति की है। भगवान से दिव्य स्तुति करने के बाद भगवान कहता है, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु, जब घर से चला था तो यही इच्छा थी कि जगत पिता को प्रसन्न करके अपने पिता की गोद में बैठूंगा, लेकिन आपके दर्शन करने के बाद पिता की गोद में बैठने की इच्छा नहीं हो रही है, अब तो जगत पिता की गोद में ही बैठे रहे। भगवान कहते हैं कि बेटा ध्रुव, तुम्हारी जन्मदात्री माता सुनीति, जब से तुम आए हो ना, तब से न तो ठीक से भोजन करती है, न पानी पीती है, एक कोने में पड़ी रहती है, जब ज्यादा ही प्यास लगती है तो एक घूंट पानी पी लेती है। शरीर चलता रहे, लेकिन तेरे आने के बाद में सुनीति एक कोने में पड़ी है, अपने माँ को तुम जाकर के देखोगे नहीं, जिसने तुमको जन्म दिया है। ध्रुव जी कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन प्रभु आपकी माया सताएगी ना, मैं आपका भजन करना चाहता हूं पर आपकी माया उसमें विक्षेप करेगी। तो भगवान ने कहा कि ध्रुव, जो मायापति की शरण ले लेता है उसे माया कभी भी कष्ट नहीं देती। अब दीपावली गई है ना, मैं थोड़े दिन पहले केवल लक्ष्मी लक्ष्मी की पूजा की गई, लक्ष्मी को नारायण के साथ में पूजा करो, अकेली लक्ष्मी आती है तो परेशान करती है, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन क्या है, लक्ष्मी का वाहन क्या भाई बताओ, उल्लू है। तो लक्ष्मी उल्लू पर बैठ करके आएगी, अकेली आएगी तो उल्लू ही बना करके चली जाएगी, और नारायण के साथ में आएगी ना तो आपके परिवार की सेवा करेगी। इसलिए लक्ष्मी जी को अकेले पूजना नहीं, नारायण के साथ में बिठा करके पूजा करना। ध्रुव जी को आज समझा रहे थे भगवान की, जाओ अपनी जन्मदात्री मां सुनीति का जीवन सार्थक करो बेटा। ध्रुव जी भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं, भगवान की आज्ञा लेकर के अपनी मां जन्मदात्री सुनीति के मिलने के लिए आने लगे। जैसे ही गांव के अंदर आए, नारद जी ने उत्तान पाद को सूचना दी है कि आपका बेटा ध्रुव भगवान का दर्शन करके आया है, भगवान का दर्शन करके आया है। उत्तान पाद बहुत दुखी हुआ कि मैं आज 80 वर्ष का हो गया, कभी स्वप्न में भी भगवान को नहीं देखा, और मेरा बेटा 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन करके आ गया, ऐसे बेटे का स्वागत करना चाहिए। अपनी चंद्रोगणी सेना को साथ में लिया है, सुनीति और सुरुचि रानी को साथ में लिया है, ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए पूरा गांव तोड़ पड़ा। ध्रुव जी जब गए थे तो अकेले थे, गांव का कोई व्यक्ति उनकी सहायता नहीं की थी, और आज भगवान को प्रसन्न करके ध्रुव जी लौट रहे हैं तो सब गांव के लोग ध्रुव जी का स्वागत कर रहे हैं। कुजा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करो सब कोई। देखो ज्यादा संसार का आश्रय नहीं लेना, हमारा ये काम नहीं बन रहा, हमारा वो काम नहीं बन रहा, इस अधिकारी से मिले, उस अफसर से मिले,
अरे सबका अवसर एक ही है, उनसे मिलो ना, सब काम हो जाए। विष्णु सहस्त्र नाम में एक पंक्ति है, सुराध्यक्षम लोकाध्यक्षम, सब लोगों का अध्यक्ष है, उससे मिलोगे तो सब काम अपने आप हो जाएंगे। जो भगवान को अपना समर्पण कर देता है उसका सब काम भगवान बना देते हैं। इसलिए ज्यादा संसार का आश्रय नहीं लेना। जगत पिता की जो शरण में आ जाता है उसके सब सुख सुविधाएं अपने आप टपक जाती है। इसलिए ज्यादा संसार का आश्रय नहीं लेना। रेल में जाते हैं तो पीटी के चक्कर लगाते हैं, या एक सीट मिलेगी। स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो बड़े बड़े नेताओं के चक्कर लगाते हैं, हमारा बेटे का एडमिशन करा। अरे जो सुबह प्रातःकालीन के समय में लोकाध्यक्षम जो भगवान विष्णु सहस्त्र का पाठ करता है सुबह सुबह, वो किसी के आगे कोई प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रातःकालीन के समय में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे और उसका काम बने नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि लोगों का अध्यक्ष है, उसको मना लेंगे तो अपना सब काम अपने आप बन जाएगा। ध्रुव जी आज जैसे ही अपने नगर में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय समस्त नगरवासी ध्रुव जी की जयकार करने लगे, भक्तराज ध्रुव कुमार की। ऐसी जयकार हुई। ध्रुव जी देखने लगे आज पूरे गांव में क्या लड़ाई हो रही है, चतुर्मिनी सेना कैसे आ रही है। ध्रुव जी ने अपनी माता सुनिधि सुरुचि को देखा, सबसे पहले अपने सुरुचि माँ के पास गए और दंडवत प्रणाम किया है। माँ को थोड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैंने इसको डांटा था और मेरे को ही प्रणाम कर रहा है, और कहने लगा कि माता आज तो मेरे को नहीं डांटती तो क्या मेरे को भगवान का दर्शन होता, आज तुमने डांटा तो मुझे भगवत प्राप्ति हो गई। फिर अपने जन्मदात्री माँ सुनिधि के पास आए हैं, जैसे ही सुनिधि की ओर देखा, सुनिधि के नेत्र सजल हो गए, आंखों से अश्रु बिंदु टपकने लगे हैं, सुनिधि के स्तनों से दूध की धाराएं छूटने लगी, वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ा, अपने ध्रुव को गोद में ले लेती है, अश्रु बिंदु से स्नान करा देती है बेटा ध्रुव, ध्रुव को गले से लगाई और कहा कि पुत्रवती जुगती जगनारी, रघुपति भक्त होई जिन भारी। मेरा पुत्रवती होना आज सार्थक हो गया कि जो भगवान का भक्त हो गया। वही नारी धन्यवाद की पात्र है जिसकी संतान भगवान की भक्त हो जाए, भगवान के गुणातीत में लग जाए। आज सुनिधि प्रसन्न होती है, अपने राजमहल में आते हैं। एक बार उत्तम ध्रुव का छोटा भाई यक्षों के युद्ध के अंदर मारा गया, ध्रुव ने खूब युद्ध किया, कई यक्षों की सेनाओं को परास्त कर दिया, मार दिया। अंत में ब्रह्मा जी आकर के समझाते हैं कि देखो बेटा, जो होना है उसको कोई टाल नहीं सकता, तेरे भाई उत्तम की इसी प्रकार से मृत्यु होने वाले थी, हो गई, अब तो भगवान का भजन कर। ध्रुव जी ब्रह्मा जी के कहने पर युद्ध बंद कर देते हैं। अब ध्रुव जी इस लोक से थक गए कि अब मैं भगवान का भजन करूं। मृत्यु देवी भी उनके पास आती नहीं है, ऐसे भगवान के भक्त के पास मृत्यु कैसे आए। ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर रहे, एक दिन मृत्यु देवी सामने आकर के भगवान ध्रुव जी के चरणों में मस्तक नवा देती है। ध्रुव जी मृत्यु के मस्तक के ऊपर अपना पैर रखकर के विमान में चढ़ जाते हैं। विमान चलने लगा तो पार्षदों से पूछा, रहे विमान को रोको तो सही,
मेरे को जन्म देने वाली माता इसको मृत्यु लोक में कैसे छोड़ूं। तो पार्षद कहने लगे, हे भक्तराज ध्रुव, तुम जैसे भक्तों को जन्म देने वाली माँ इस संसार में रहेगी, वो तो तुमसे आगे वाले विमान में बैठी। ध्रुव ने कहा, फिर ठीक है, अपनी माता को साथ में लेकर चले जाते हैं। ध्रुव जी आज भी अटल रूप से भगवान का भजन कर रहे हैं। ऐसे भक्तराज ध्रुव का आपने सुंदर चरित्र श्रवण किया है। ध्रुव चरित्र से अपन को यही सीखना है कि अपने बालकों को कभी भी जान अनजाने में कोई गलत बात ना सिखाए। देखो, एक बड़े पैसे वाले घर की बहू किसी पार्टी में गई, छोटा बालक साथ में। अब उस बालक को ये लग गई, समझ गए, तो कहने लगा अपने मम्मी से कि मम्मी। तो मम्मी ने कहा, सबके सामने मेरी बेइज्जती करा दी, इतने पैसे वाले घर की बहू हूं, लोग क्या सोचेंगे, एक नौकर नहीं रख सकती अपने बेटे की देखभाल करने के लिए, और उसको बाहर ला करके एक तमाचा लगा दिया। बोले, बेटा जब भी तेरे को ये लगे ना, तो इतना कह देना कि गाना गाना है, तो मैं समझ जाऊंगी तेरे को ये लगे। अब रात में वो अपने पिता के पास सोया करता था। अब उसको रात को 12-1 बजे ये लग गई, अपने पिताजी से क्या कहता है, पिताजी मेरे को गाना गाना। क्या कहा? गाना गाना। तो पिताजी ने कहा, बेटा रात के 12-1 बजे काहे को गाना सुनाता है, सो जा। 5 मिनट सोया फिर कहता है, पिताजी गाना तो गाना ही पड़ेगा। तो बोले, मेरे कान में सुना दे। अब कान में कौन सा गाना सुनाया आपको, आप जानते हैं। अब क्यों, बालक को जैसा सिखाएंगे वैसा ही मानेगा। ध्रुव की माँ सुनीति ने अच्छी बातें सिखाई, तो आज भगवत प्राप्ति कर ली। आप भी अपने बालकों को अच्छी बातें बताओ, भक्ति के भगवान के भक्तों का चरित्र सुनाओ, वो भी अपने भारत राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। तुम्हारा मातृत्व अच्छा रहेगा, मातृत्व का पुत्र को जन्म देने की संतति की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, जो भगवान के भक्तों को जन्म देती है। श्री हरि भगवान की। ऐसे भक्तराज ध्रुव का चरित्र आपने श्रवण किया है। आगे किस प्रकार से इनका वंश बढ़ रहा है, कौन कौन से राजाओं में किस प्रकार से चरित्र सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं, दो मिनट हरि नाम संकीर्तन, इसके बाद में आगे कथा क्या होने ये बता रहे हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु।
एक राजा हुआ जिसका नाम है वेन, बड़ा दुराचारी हुआ। वो राजा बनने से ही ऐसी घोषणा कर दी कि मंदिर बंद कर दो, यज्ञ करना बंद कर दो, समस्त देवताओं की पूजा करना बंद कर दो, केवल मैं राजा हूं, मेरी ही पूजा करो। सब ऋषि लोग परेशान हो गए कि कैसा राजा आया है, भगवान की पूजा बंद करवा रहा है, यज्ञ बंद करवा रहा है, कैसा राजा है। राजा वेन ने किसी की बात नहीं सुनी तो ऋषियों को क्रोध आ गया। ऋषि लोग जाकर के उस राजा वेन को श्राप दे दिया, तो श्राप देने से राजा वेन की मृत्यु हो गई। वेन की मां ने उसके शरीर को तेल की कढ़ाई में डाल करके शरीर को ठीक से रखा कि ध्रुव जैसे वंश के अंदर उत्पत्ति होने वाली इतना दुराचारी कैसे हो गया। तो समस्त ऋषियों ने उसके शरीर का मंथन किया, उसमें एक काला कलूटा व्यक्ति निकला और वो उठ करके चला गया। फिर मंथन किया तो उसमें महाराज प्रभु भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले प्रभुदेव भगवान की जय। महाराज प्रभु का जैसे ही आविर्भाव हुआ, राज्य अभिषेक किया, प्रभु ने भगवती पृथ्वी के ऊपर जितनी सुविधाएं हैं सब सुविधाएं भगवती पृथ्वी से प्रार्थना की कि आप हरी भरी हो जाओ, बारिश हो जाएगी समय पर। भगवती पृथ्वी कहती है कि मेरे ऊपर अत्याचारी राजा पैदा होते हैं तो मैं अपने सुख सुविधा देना बंद कर देती हूँ। लेकिन प्रभु भगवान ने पृथ्वी माता को प्रार्थना करके सब सुविधाएं दुनिया को प्राप्त करवाई। सो अश्वमेध यज्ञ किए हैं, भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ। शनकादिक ऋषियों ने प्रभु को उपदेश दिया। भगवान प्रकट होकर के प्रभु से कहने लगे, प्रभु तुम कुछ मांगो। तो प्रभु ने कहा, प्रभु मेरे को और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे 10,000 कान दे दो कि आपकी मैं कथा वार्ता सत्संग श्रवण करता रहूं। देखो किसी कवि ने कहा है, कुदरत को ना पसंद है शक्ति जुबान की, कुदरत को ना पसंद है शक्ति जुबान की, इसीलिए नाती है हड्डी जुबान में। जीव में एक भी हड्डी नहीं है लेकिन जब ये बोलने लगती है तो 32 दांतों को बाहर कर देती है। इसलिए भगवान ने कान 2 दिए हैं और जीव 1 दी। 2 का मतलब है कि तुम सुनो तो ज्यादा और बोलो कम। आज का मनुष्य करता क्या है, सुनता कम है और बोलता ज्यादा है। हर घर में एक समस्या है, कोई हमारे घर में कोई सुनता ही नहीं। महाराज हमारे घर में तो कोई सुनता ही नहीं। भाई प्रभु भगवान ने ऐसा वरदान मांगा कि मुझे 10,000 काम दो, कोई निंदा सुनने के लिए थोड़ी मांगो। उसने कहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन सुनूं, सत्संग सुनूं। तो भगवान ने अपन को 2 काम दिए तो इसका ज्यादा उपयोग लेना चाहिए। ऐसे प्रभु भगवान ने भगवान से 10,000 काम मांगे हैं। उन्हीं के वंश में पूर्वजन उपाख्यान होता है। एक बार राजा पुरंजन शिकार खेलने के लिए वन में गए, वहां पर एक कन्या गेंद से खेल रही थी। राजा ने उस कन्या को देखा, उसके पास है और पूछने लगे कि तुम्हारा क्या नाम है। तो उस कन्या ने कहा कि आपका क्या नाम है। तो राजा ने कहा कि मेरा नाम पुरंजन है। तो वो कन्या कहते हैं कि मेरा नाम पुरंजनी है।
दोनों का आपस में प्रेम हुआ, विवाह कर लिया, विवाह के अंदर इतने आसक्त तो हो गए। एक दिन पुरंदर धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर गया, जैसे ही शरीर के अंदर से प्राण छूटने वाले थे तो ये चिंता हो रही थी कि मेरी पुरंजनी का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। और भगवान गीता में क्या कहते हैं कि जब शरीर इस संसार से जाने लगे, यम यम भावम स्मरण भावम तदंते के कले वरम, कि जब ये शरीर अपने प्राणों से अलग होने लगे उस समय जो व्यक्ति जिस जिस भाव को चिंतन करता है उस भाव में चला जाता है। तो पुरंजन जो है अपनी पुरंजनी का चिंतन कर रहा था, तो अगले जन्म के अंदर में विदर्भ देश के राजा की कन्या बन गई। क्या करने से? पुरंजनी का चिंतन करने से। जो व्यक्ति मरते समय नारियों का चिंतन करता है तो अगले जन्म में साड़ी पहनना पड़ेगा कन्फर्म, और जो पुरुष का चिंतन करता है तो उसको पुरुष बनना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा कि जो व्यक्ति अंतिम समय में जिस जिस भाव को लेकर के शरीर छोड़ता है उस भाव में प्राप्त हो जाता है। तो अब की बार विदर्भ नगरी का एक राजा की कन्या बनी, उसका विवाह एक राजकुमार के साथ हुआ। थोड़े दिनों में राजकुमार की मृत्यु हो गई तो उसका चिंतन करने लगी। तो एक नारद जी आकर के पुरंजनी को समझाते हैं कि देखो, अज्ञान नाम का एक व्यक्ति आकर के समझाते हैं कि तुमने कई बार पुरुष का चिंतन किया, कई बार नारी का चिंतन किया, ऐसे मरते मरते तुम कितना चिंतन करेगा, हमेशा हमेशा के लिए छूटना है तो भगवान नारायण का चिंतन कर। पुरंजन उपाख्यान ये सिखाता है कि व्यक्ति परिवार में आकर के ऐसे फंस जाता है कि एक व्यक्ति कुएं में गिरा, जैसे ही कुएं के अंदर गिरा, कुएं के बीच के अंदर में कोई टहनी हाथ आ गई है, वृक्ष की तो जड़ अंदर गई थी, उस जड़ को पकड़ लिया। अब बीच में लटक गया, नीचे देखता तो एक सांप बैठा है और ऊपर में देखा तो एक मधुमक्खी का छाता बैठा है। अब ऊपर देखता है तो उस मधुमक्खी के छाते से एक शहद की बूंद टपकती है और उसके मुंह में गिर जाती है, तो उसको बड़ा आनंद आता है, शहद बहुत मीठा है, ऊपर जाऊं तो मक्खियां खाएगी, नीचे जाऊंगा तो सांप काटेगा। लेकिन जब शहद उसके मुख में जाता है तो दोनों चिंताओं को भूल जाता है, तो परिवार में थोड़ा सा सुख मिले तो सब चिंताएं भूल जाता है। लेकिन अंत समय में जो चिंतन करता है कि अंत में मेरा कोई साथ नहीं चलने वाला, अंत में सबको अकेला आए हैं और अकेला ही जाना पड़ेगा, इसलिए अज्ञात विज्ञान नाम का मित्र आकर के पुरंजन उपाख्यान को समझाता है कि बेटा कैसे तो किस किस का चिंतन करके वापिस जन्मना पड़ेगा, इसलिए हमेशा जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए भगवान नारायण का चिंतन कर। प्रेम से कहिए श्री राधे। कैसे महाराज पुरंजन उपाख्यान का सुंदर सुखदेव मुनि के उद्गार ग्रंथ से चरित्र श्रवण किया है। आगे परीक्षित पूछ रहे गुरुदेव, आपने मुक्तानुपात के चरित्र का श्रवण किया, उनके बड़े बेटे प्रियव्रत का चरित्र तो नहीं सुनाया। सुखदेव मुनि कहते राजा परीक्षित, प्रियव्रत मुक्तानुपात का बड़ा भाई है, उसने रथ लेकर के पृथ्वी के चारों ओर रथ को घुमाया, भगवती पृथ्वी को सप्तदीप वदी बताया। उन्हीं के वंश में आगे आगेन्द्र हुआ, राजा नाभि हुआ, ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव उन्हीं के वंश में
बड़े बेटे भरत हुए। ऋषभदेव जब अपना घर छोड़ करके जाने लगे तो अपने बड़े बेटे को कहते कि बेटा अब मैं वृद्धावस्था में आ गया हूँ, तुम्हें राजगद्दी संभालना है और तुम भी जब वृद्धावस्था में आ जाओ तो घर में बैठे मत रहना, घर छोड़ करके भगवान का भजन करना, कोई तीर्थ में चले जाना, नदी के तट पे चले जाना, वहां बैठ करके भजन करना। ऐसे ऋषभदेव जी ने सुंदर उपदेश दिया। उन्हीं के वंश में जो भरत जी हुए तो भरत जी ने थोड़े दिन तो राज्य किया और जैसे पिताजी की बात याद आ गई कि वृद्धावस्था आने लगे तो घर का मोह छोड़ देना चाहिए, तो जैसे ही वृद्धावस्था की ओर बढ़े 50 के बाद में अपने घर के अंदर में ज्यादा पंचायती नहीं कर। भरत जी ने घर छोड़ा, नेपाल में गंडकी नदी के तट पर जाकर बैठे हैं। सुबह प्रातः कालीन के समय में संध्या वंदन करके जप करते हैं। घर तो छोड़ दिया, एक दिन दोपहर के 12-1 बज रहे थे, एक प्यासी हिरणी आई। जैसे हिरण नदी के तट पर पानी पीने लगी, गर्भवती हिरणी थी, इतने में जंगल में एक शेर ने जोरदार दहाड़ लगाई, उसकी आवाज सुनी तो हिरणी घबरा गई और उस नदी के अंदर में कूद गई। भरत जी महाराज इस दृश्य को देख रहे हैं, हाथ में माला घूम रही है, हिरणी तो मर गई, उसका जो गर्भ था वो बाहर निकल करके नदी के बाहर पड़ा है। भरत जी उस दृश्य को देखा, दौड़ करके आए कि इसकी माँ तो मर गई, अब इसका कौन देखभाल करेगा। तो भरत जी उस हिरण के बच्चे को अपने कुटिया में लेकर के आ गए। दया आ गई, आज रोज 10 माला जपते थे, जब से बच्चा हिरण का कुटिया में लेकर के आए हैं तब वो 5 माला जपने लगे, आधा ध्यान हिरण के बच्चे की देखभाल में जाने लगा। शास्त्र कहता है कि दया करना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं कि अपना पाठ पूजा भी छूट जाए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। आज भरत जी हिरण के बच्चे की देखभाल करते हैं। एक दिन ऐसा समय आया कि वो बच्चा बड़ा हो गया, हिरण का झुंड आया उसमें चला गया और वो चिंतन करने लगे कि आज वो उस झुंड में चला गया, उसको कौन खिलाएगा, कौन पानी पिलाएगा। ऐसा चिंतन कर ही रहे थे उसी समय योग की बात उनकी वृद्धि हो गई तो अगला जन्म हिरण शरीर ही मिल गया, हिरण का चिंतन कर रहे थे। अब देखो पाठ पूजा जो करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाती, अगले जन्म हिरण शरीर मिलने के बाद भी भगवान की पूजा आराधना सब याद है कि मैंने अंतिम समय में हिरण का चिंतन किया, इसलिए सब काम गड़बड़ हो। थोड़े दिनों के बाद में हिरण शरीर भी छूट गया और एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ जिस घर में रोज पूजा पाठ होती है। अब उनको पिछला जन्म याद है हिरण शरीर का, उससे पहले में एक राजा था तो उस ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद में पागल से लेकर रहने लगे, किसी से बात नहीं करते, किसी से कोई मेल मुलाकात नहीं करते, अपने मस्ती के अंदर रहते। पिता उनको पढ़ाते तो पिता को प्रसन्न करने के लिए कोई वर्णमाला का अक्षर सीख लेते, मन में कहते कि पिताजी ये पढ़ जाऊंगा, ब्राह्मण का बेटा हूँ, बड़े बड़े यजमानों के जाऊंगा, दक्षिणा मिलेगी तो वापिस स्वराज किसी के चक्कर में पढ़ जाऊंगा। मन मन में सोचते कि पढ़ पढ़ के सग जग महुआ पंडित भयान को, अरे ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। पिताजी मैं क्या करूंगा पढ़ करके, मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया, केवल परमात्मा प्राप्ति करने के लिए जी रहा हूं।
थोड़े दिनों में मिला नहीं थी, मंगल हो गए, घर के भाई लोग सब बाहर निकाल दिए, कुछ काम करता नहीं, यहाँ बैठा बैठा खाता है। भाई संसार बहुत स्वार्थी है कि जब तक पुत्र कमाता है तब तक ये रिश्ते नाते हैं। आप ये काम करते रहोगे तो संसार में सब समय बनाएंगे, बिजली करोगे तो मन के ऊपर बोझ धरती को निकाल दिया, धरती जगह जगह जाते, कोई उनको सम्मान देता तो प्रसन्न नहीं होते और कोई उनको अपमान करते तो दुखी नहीं होते। महाराज जड़ धरती जगह जगह जा रहे हैं, जंगल में जाते अर्ध रात्रि के अंदर में शेर भी आकर के उनके चरणों में गिर जाते, ऐसे भक्तराज को हम कैसे खा पाएंगे। भरत जी महाराज जड़ भरत जी शेर का जबाड़ा यूं खोल देते और अपनी मुंडी डाल देते मेरे को खा ले, शेर भी उनके चरणों में गिर जाता। आकाश मार्ग में देवता लोग अपने विमान को लेकर के जा रहे हैं और जड़ भरत जी को देख करके विमान रोक लेते हैं और जड़ भरत जी जो गाते हैं उस आवाज को सुनते हैं। क्या आवाज गा रहे हैं? रे मन मस्त सदा दीन रहना, अरे मन मस्त सदा दीन रहना, अरे मन मस्त सदा दीन रहना, अरे मन मस्त सदा दीन पहिया पहिया चीटी को बच
जाए कोई खावेला टूपेड़ा बर भी मंगाई के साधु खावे रूखा सूखा भोग लगाए साधु का चलना बड़ा विचित्र है। एक चीटी भी मेरे पेट से भर न जाए। अब की बार तो जनवर से चल रहे हैं तो चीटी आती तो उछल जाते हैं। अब की बार तो एक मेंढक आया जैसे पैरों के नीचे आने लगा तो जनवर की उछल पड़े। इतने में रघुवर बेटा था वो धड़ाम से पालकी से नीचे गिर पड़ा। अब राजा चिल्लाने लगा इसको ठीक से चलना नहीं आता, दिखने में तो बहुत मोटा है, हष्ट-पुष्ट शरीर है। जड़भरत जी कभी भी बोलते नहीं थे लेकिन आज बोलने लगे कि इस व्यक्ति ने मेरा संग किया है और इसको थोड़ा सत्संग नहीं होगा तो फिर मेरा सत्संग करना भी व्यर्थ है। तो राजा डांटने लगा तो जड़भरत जी समझने लगे कि इस राजा को किसकी भाषा में समझा दे। अब कोई छोटी क्लास का बच्चा एलकेजी यूकेजी का और उसको एक बहुत बड़ा बीएड किया हुआ व्यक्ति पढ़ाए, अगर उसको बीएड की भाषा में समझाएगा तो क्या समझेगा? उस बालक को उसी की भाषा में समझाए तो समझ जाएगा ना। तो जड़भरत जी आज कहने लगे कि राजा रघुगण तुमने सही बात कही है कि मैं बहुत मोटा हूँ, बहुत दूर से चल करके आया हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं आज 84 योनियां भटकते भटकते मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो मैं जन्मते मरते थक गया हूँ। और मोटा पतला होना ये तो शरीर का धर्म है, लेकिन कितना ही मोटा शरीर हो उसमें जीवात्मा तो एक चिन्ह विक्रय जितनी होती है वो जीवी में भी होती है और कोई हाथी में होती है। हाथी के गले में कोई घंटा बांध दे तो अपन को आवाज सुनाई दे सकती है, लेकिन चींटी के गले में कोई घंटा बांध दे तो क्या आवाज अपन को सुनाई देगी? वो आत्मा परमात्मा सब के अंदर जीवात्मा जिस प्रकार से व्यवस्था की है वो सब में। राजन के शरीर छूटता है दूसरा मिल जाता है, जैसे अपन पुराने वस्त्र छोड़ते नए पहन लेते हैं। ये जीवात्मा कभी मरती नहीं है, जैसे पानी गर्म करते हैं और उसमें चावल डालें तो वो चावल पक जाएंगे, उसमें एक पत्थर डाल दें तो क्या पकेगा? तो ऐसे जीवात्मा है, उसको आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, ऐसी अजर अमर आत्मा है। ऐसा प्रवचन देने लगे महाराज रघुगण जड़भरत जी के चरणों में गिर पड़े। महाराज आप कोई भगवान का अवतार तो नहीं हो, मेरे से अपराध हो गया? तब जड़भरत जी सुंदर उद्देश्य कहते राजन आज तो राजा है, मैं तो दो जन्म पहले राजा बन गया था, जिस पालकी में तो बैठ करके घूम रहा है उसमें मैं घूम चुका हूँ। जीवात्मा सबके शरीर में है, सबका सम्मान किया कर, सबका आदर किया कर, वो भगवान सबके अंदर में है, ऐसा सुंदर उपदेश देते हैं महाराज। आगे भयावटी का वर्णन करते हैं। एक बार ढीलो के राजा एक नर बलि बोल रखी है माता को चढ़ाने के लिए, एक मनुष्य की देह बलि। तो ढीलो के राजा ने आदेश दिया कि कोई भी मनुष्य को पकड़ करके ले आओ। जड़भरत जी जंगल में घूमते हुए मिल गए, जड़भरत जी को पकड़ करके माता के मंदिर में लेकर के आ गए। या तो बचपन में उनकी माँ ने स्नान कराया था या फिर बारिश से स्नान कराया होगा, अपने मन से कभी स्नान भी नहीं करते, अपनी राग आलाप कर रहे थे, भगवान के भजन में तल्लीन रहते थे। बिल्लू के राजा ने स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, देवी के मंदिर में ले जाकर खड़ा कर दिया, भोजन कराया,
और देवी के मंदिर में ले जाकर के मनुष्य की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुआ राजा, तलवार गाई और जैसे ही जड़ भरत जी के ऊपर प्रहार करने लगा, उसी समय देवी के मूर्ति से साक्षात देवी प्रकट हो गई और जड़ भरत जी को बचाने लगी। भक्ति महारानी दुर्गा को प्रणाम करते हुए थोड़ा सा देवी का भजन सुने, उसके माध्यम से देवी की कृपा अपने के ऊपर भी लाने सकती रहे, फिर आगे कथाक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप भक्ति का दर्शन करें और देवी का भजन सुने। Yeah.
जब भरत जी देवी के मंदिर में देवी को प्रकट होते देखा, दर्शन किया, देवी को वंदन किया है और कहा कि हे भगवती तुमने क्यों कष्ट किया। जो व्यक्ति जन्म लेता है इस मृत्यु लोक में एक एक दिन तो जाना ही है। आज मेरा अंतिम दिन आ गया था, तुमने आकर के क्यों बचाया कि मरने से सब झगड़े और मुझको
गांव में तो सब प्रकार के लोग रहते हैं, कह दिया कि अजामे जैसा वैष्णव तो हमारे गांव में नहीं है। अब संत महात्माओं को क्या मालूम, राधे कृष्ण कहते कहते अजामे के द्वार पे पहुंचे। अजामे को बाहर गया था, अजामे की पत्नी बैठी थी संतों के पास, जैसे देखी संत लोग मेरे द्वार पे आए, हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज मैं सबसे झूठ बोल सकती हूँ लेकिन संत महात्माओं से कभी झूठ नहीं बोलती। महाराज आपको मेरे हाथ का एक पानी गिलास भी नहीं पी सकते, मैं तो पापी नहीं हूँ, एक वेश्या हूँ। संतों ने कहा बेटी कोई बात नहीं, हम तुम्हारे घर में नहीं तुम्हारे घर के बाहर ही रुक जाएंगे, रात भर संकीर्तन किया है। प्रातःकाल हुआ तो अजामिल गांव से चोरी करके लाया, द्वार के ऊपर में साधु को देखा, साधु को प्रणाम किया है और कहने लगा कि अरे महात्माओं मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ, मैं भी एक ब्राह्मण था, एक बार मैंने ऐसा दृश्य देख लिया, उस दृश्य के बाद में मेरा पूरा जीवन बिगड़ गया, मेरा कुछ सुधार लो। महात्मा ने कहा बेटा कोई बात नहीं, अपन पानी निकालते बाल्टी कुएं में डालते हैं, पूरी बाल्टी चली जाती है, रस्सी चली जाती है, अपने हाथ में रस्सी रहती है तो बाल्टी टूटती नहीं है, अपन बाल्टी को वापस निकाल लेते हैं, अभी क्या बिगड़ा है, कोई बात नहीं बेटा अभी भी समय है, तुम्हारे कितने बेटे हैं, बोले 8 बेटे हो गए, एक और होने वाला है। बेटा घबरा मत, अब की बात है बेटे का जो भी जन्म हो उसका हमारे कहने से नाम रखेगा। हाँ गुरु जी, तो अब की बात जो मेरे संतान हो उसका नाम नारायण रख लेगा। संतों के कहने पर जैसे बेटे का जन्म हुआ तो संतों की बात याद आ गई और उसका नाम नारायण रख लिया। अब तो दिन में कितनी बार नारायण 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 कहेंगे, कई बार उसके जीवा से नारायण का नाम निकल जाता। एक बार संध्या के समय में 88 वर्ष की अवस्था अजामिल की हो गई, अजामिल अपने सैया पे सो रहा था तो भयानक दो दूत दिखने लगे यमराज के, जबे यमराज पिटाई करने लगे, क्यों आए हो तुम यहाँ पर, बोले इस पापी आत्मा को लेने आए, बोले पापी कहाँ आए, भगवान का भगत है नारायण नारायण कह रहा है, बोले नारायण नारायण ये अपने बेटे को पुकार रहा है, बोले बेटे को पुकारो या पोते को पुकारो हम तो ये जानते हैं मरते समय कोई नारायण का नाम ले ले तो भगवान ने हमको कह रखा है, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना उसको अपने धाम लेकर के आ जाना, बचा देना। अब यमराज के दूतों की पिटाई हुई, यमराज के पास आकर के दूत कहने लगे पहले तो ये बताओ इस पृथ्वी का और भी कोई मालिक है क्या, तो यमराज कहने लगे भाई हम तो नौकर हैं, मालिक तो भगवान नारायण ही है। तो बोले हम तो उस पापी को लेने गए थे और वो नारायण के दूत आकर के उसे बचा ली। तो यमराज कहते हैं कि मैं यहाँ से ऑर्डर दे भी दूं कि फलाने पापी जी को लेकर के आओ, लेकिन जो व्यक्ति मरते समय साकेतम परिहासम, संकेत में हास में परिहास में भगवान का नाम ले ले
इसको छोड़ दे। साकेतं पारिहास्यम्
आपका
उदान करूंगा, मृत्यु लोक में चला गया तो आपके स्वधाम में पहुंच जाऊंगा, मेरे को मुक्ति मत देना, मेरे को हमेशा भगवान का भक्त बनाना। ऐसे वृद्धासुर भी वाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करता है। प्रातः काल हुआ, देवराज इंद्र से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। जैसे युद्ध भूमि के अंदर में वृद्धासुर ने अपना मुख खोला, देवराज इंद्र को निगल गया। देवराज के पास में तो दधीच महर्षि के बनाया हड्डी का वज्र है, उसके मस्तक को चीर करके जैसे बदल से चंद्रमा निकलता है, वैसे महाराज देवराज इंद्र बाहर निकले हैं, वृद्धासुर वीर गति को प्राप्त हो जाता है। कृष्ण नारायण भगवान की जय। ऐसे महाराज वृद्धासुर भगवान के स्वधाम चला जाता है। अब तो परीक्षण ने पूछ लिया महाराज, एक बार हमने ऐसा सुना कि प्रहलाद जी तो भगवान के भक्त थे, पिता हिरण्यकश्यप अपने बेटे को कष्ट देता, मारने का यत्न करता, तो हिरण्यकश्यप अपने बेटे से इतना विरोध क्यों किया? बाप बेटे में कभी झगड़ा होता ही नहीं है, होता है तो इतना नहीं कि उस बेटे को मरवाई दे। तो महाराज सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन परीक्षित, एक बार हिरण्यकश्यप अपने परिवार जो से कहने लगा कि मेरे भाई को हिरण्याक्ष को इस नारायण ने मार दिया है, तो इसका बदला मैं लेकर के रहूंगा। तो हिरण्यकश्यप जाकर के तपस्या करने लगा, अपने परिवार जन से अपने घरवाली से कह करके गया कि मैं तपस्या करके आऊंगा, वरदान लेकर के आऊंगा और इस नारायण को मैं पराजित कर दूंगा। तो महाराज जैसे ही पर्वत के ऊपर जाकर के तपस्या करने ही लगा, तो देवता तो घबरा गए कि ये राक्षस है, तपस्या करेगा बल प्राप्त कर लेगा तो अपन को ही सताएगा। तो दो देवता पक्षी बन करके कहने लगे, नारायण नारायण। तो उसने देखा कि तो मेरे शत्रु का नाम ले रही है, आज शत्रु ठीक नहीं है, गदा उठाई और अपने घर आ गया। घरवाली कहने लगी, क्या हो गई आपकी सोमवार की तपस्या? तो बोले, हो गई क्या, मैं तप करने के लिए बैठा ही था, कितने ने मेरे शत्रु का नाम ले लिया, दो पक्षी ने क्या नाम लिया? बोले, वो कहने लगे, नारायण नारायण। तो उसकी घरवाली कहने लगी, पक्षी जी कभी नारायण बोलते हैं क्या? बोले, बोलते हैं तो पक्षी को पढ़ाने वाले होते हैं, वो पक्षी को पढ़ा देते हैं तो पक्षी भी कहने लगते हैं नारायण नारायण। तो उस घरवाली को देखा कि आज मेरा पति नारायण नारायण कह रहा है, नहीं तो कभी नारायण का नाम नहीं लेता है। तो आज उसकी घरवाली ने कहा कि देखो, ठंडा मौसम है, बारिश का समय है, मैं आपको गरम गरम पकौड़े दिलाऊंगी, आप मेरे को बताओ पक्षी कैसे बोलते हैं। तो वो कहता, नारायण नारायण। अब थोड़ी देर में और दो चार गरम गरम पड़े लाते हुए कहते, स्वामी कैसे बोलते हैं? बोले, नारायण नारायण। उसको देखा, मेरी घरवाली खुश हो रही है कि आप उनको तो बड़े ध्यान ठंडा मौसम। ऐसा करते करते उसकी घरवाली ने 108 बार नारायण उसके मुख से बुलवा लिया। रात में सो गए, प्रातः काल हुआ, उसकी घरवाली कहने लगी, स्वामी नारायण ये पक्षी कैसे बोलते हैं? बोले, खबरदार, अब समझ गए अब नारायण का नाम नहीं लेते। योग की बात ही उसी रात में प्रहलाद जी कयाधु के गर्भ का आश्रय लेते थे। अब तो गदा उठाई और तपस्या करने के लिए गया, ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी से कहने लगा, ब्रह्मा जी कहा कि वरदान मांगो। तो ब्रह्मा जी से कहने लगा कि मैं कभी नहीं बढ़ूंगा,
वरदान को आजकल देना बंद कर दिए। बोले क्यों? बोले वो लोग मेरे से लेते और मेरे को मारने के लिए दौड़ रहे। तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं दिन में नहीं बनू, रात्रि में नहीं बनू, अस्त्र से नहीं बनू, शस्त्र से नहीं बनू, ऊपर में नहीं बनू, नीचे में नहीं बनू। अब उसको जितना याद था सब मांग लिया कि 12 महीनों में भी नहीं बनू। अब तो गदा उठाई और चारों तरफ हाहाकार करने लगा। समस्त देवता लोग घबराने लगे। थोड़े दिन बाद में अपने घर आया, प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी की अवस्था 5 वर्ष की हुई, विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। प्रहलाद जी अपने विद्यालय में गुरु जी लोग पढ़ाते, पढ़ाई कर रहे थे। अवकाश के समय में अपने मित्रों के साथ में बैठ करके भगवान का नाम का संकीर्तन करते। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। एक दिन इंद्रेश को अपने छत पे गड़ा था और प्रहलाद जी कीर्तन करते करते आ रहे हैं। कहने लगे बेटा ये नारायण कौन है? फिर पिताजी तुमको मेरे को संसार को बनाने वाला नारायण है। इंद्रेश कुछ ही गया और अपने बेटे को डांटने लगा। अध्यापक लोगों को जाकर डांटने लगा कि क्या तुम सिखा रहे हो उसको? इसको ऐसा सिखाओ कि नहीं भगवान हो, मेरी पूजा होनी चाहिए, मेरा एक गुणगान होना चाहिए। लेकिन प्रहलाद जी को तो गर्भ के अंदर ही देव ऋषि नारद जी ने भागवत सुना दी थी, बचपन में रख लग गया। 10-15 दिन बाद में इंद्रेश को पूछा, बेटा आजकल विद्यालय में क्या पढ़ाई करते हो, कुछ बताओगे? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि आप मेरे को बोध से नीचे उतारो। तो प्रहलाद जी कहने लगे कि अगली बार तो मैंने 9 बातें सीखी है पिताजी। 9 बातें बताओ कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासे सख्यमात्मनिवेदनम। पिताजी ने अपना भक्ति का उपदेश दे रहे, पिताजी ने 9 बातें सीखी। पिताजी ने अपना भक्ति का उपदेश क्या बता रहे हैं? श्रवणम सबसे पहले सुनना, सुनने के बाद में कीर्तन करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, फिर भगवान की जो लीलाएं सुनी है उसका चिंतन करना, स्मरण करना। स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, फिर भगवान के चरणों की भक्ति, जो भगवान के चरणों के 8-10 भजन याद कर लेता है उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। चरणों में रहूं हरदम हे नाथ दया करना, मेरा कोई नहीं यहाँ पर इस स्वार्थ दुनिया में, बस एक सहारा है तुम्हारी बगिया में। चरणों में रहूं भगवान की अर्चना करना, फिर भगवान की वंदना करना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। सीता के राम को, रवि के श्याम को, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। इस भगवान की वंदन भक्ति बताई है। ऐसे नवदा भक्ति भगवान प्रहलाद जी हमको उपदेश दे रहे हैं। आप ऐसे सब कुछ छुड़वा लो लेकिन मैं भगवान नारायण का नाम तो नहीं छोड़ सकता। आज इंद्रेश को क्रोध आया।
दूसरों को आदेश दिया कि इसको बड़े पहाड़ पर ले जाकर गिरा दो, पानी में गिरा दो, जलती हुई आग में। लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े सैनिकों को त्रिशूल दे दिए कि प्रहलाद के ऊपर में प्रहार कर दो, त्रिशूल की तनिया हो गई। उसे मारने वाला जन्मोत्सव का आनंद लें।
नंद के ग्यारह का कल जन्म होने वाला है, सब लोग इस आनंद को प्राप्त करने के लिए माखन मिश्री लाला के लिए खिलौना लेकर के आए और ज्यादा से ज्यादा लोग सम्मिलित होकर के भगवान के दिव्य उत्सव होगा महोत्सव का आनंद लें। और अब एक भजन के माध्यम से आप सब लोग गान करते हुए आरती करेंगे। बारे बारे वंदना मैं प्यार बारे वंदना बारे बारे
पाप से है तारती।
है।